हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजू। मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। आज बनाएंगे फ्रेंच फ्राई। इसे बनाना बहुत आसान है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंच फ्राई सभी लोग को बहुत पसंद आता है, तो बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। 6 बड़ा साइज का आलू लिए हैं, अब इसे छील देते हैं। आलू का छिलका हटा देंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आलू का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अगर कम बनाना है तो आलू का क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इस तरह सारे आलू छील लेते हैं। एक आलू छील लिए हैं, इसी तरह बाकी के बचे हुए आलू को छील लेते हैं। सारे आलू छील लिए हैं, अब इसे धो देते हैं। आलू को दो पानी से धो दिए हैं, अब इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से कट करेंगे। एक आलू को तीन हिस्से में कर देंगे। अब आलू को लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। नहीं ज़्यादा मोटा काटेंगे, नहीं ज़्यादा पतला। अगर ज़्यादा मोटा काटेंगे तो क्रिस्पी नहीं होगा। इसी तरह बाकी के आलू काट लेते हैं। देखिए, नहीं ज़्यादा मोटा है, नहीं ज़्यादा पतला है। आलू को काट कर तुरंत पानी में डाल देंगे, नहीं तो कलर इसका चेंज हो जाता है। अब इस तरह से काट कर दिखाती हूँ। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा काट कर हटा देते हैं। आप नहीं भी साइड में काट कर हटा सकते हैं। बाकी के बचे हुए आलू इसी तरह काट लेते हैं। देखिए, इस तरह का काटे हैं, नहीं ज़्यादा मोटा है, नहीं ज़्यादा पतला है। सारे आलू को काट लिए हैं, ऐसे 2 से 3 पानी से धो लेते हैं। आलू को 3 पानी से धो लिए हैं। आप एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, इस पे आलू को डाल देते हैं। आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं। अब इस तरह से इसे ड्राई कर देते हैं। इस तरह से आलू को कपड़े से पोंछ देंगे, जो आलू में नमी है वो कपड़ा सोख लेगा। इस तरह से आलू को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तलने के समय फ्रेंच फ्राई क्रिस्पी नहीं होंगे। इस तरह से इसे 2 मिनट तक ड्राई कर लेते हैं आलू को। आलू को 3 मिनट तक इस तरह से पोंछ लिए हैं पानी को। देखिए, खूब अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसे एक बड़ा बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर 3 से 4 चम्मच डालेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे। जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक को बाद में डालेंगे, नहीं तो इसमें से पानी छोड़ देगा। फ्रेंच फ्राई तलने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तेल जब तक गर्म होता है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाला और कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें नमक डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए, इसमें से हल्का सा नमी आ गया है। कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो गया है। नमक डालने के बाद इसे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें से पानी छोड़ देगा। तेल को चेक करके देख लेते हैं, तेल अच्छा गर्म हुआ है कि नहीं। तेल अच्छा गर्म हो गया है। एक फ्राइज डालकर देख लिए हैं। देखिए, तैर कर ऊपर आ गया है। और भी फ्राइज इसमें डाल देते हैं। तेल में ज़्यादा फ्राइज एक बार नहीं डालेंगे, नहीं तो एक दूसरे पे चिपकने लगेगा। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखे हैं। अब इसे पलट देंगे। इसे ज़्यादा नहीं तलेंगे,
इसे सेलो फ्राई करना है। बस इसे सुनहरा कलर आने तक तलेंगे। सुनहरा कलर आ गया है, अब इसे निकाल देंगे। अब इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। इसको पूरी तरह से ठंडी कर लेंगे। बाकी के बचे हुए फ्राइज तल लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो मसाला और नमक मिलाकर नहीं ज़्यादा देरी तक रख सकते हैं, नहीं तो इसमें से पानी छोड़ देता है। जितना आपको तलना है उतना ही में मसाला और कॉर्नफ्लोर मिलाएं। अब इसे पलट देंगे। इसमें सुनहरा कलर आ गया है, अब इसे निकाल देते हैं। इसे पूरी तरह से ठंडी कर लेंगे। ठंडी करके इसे फिर डीप फ्राई करेंगे। अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे पूरी तरह से ठंडा कर लें। स्लो फ्राई करने के बाद एयर टाइट प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं फ्रीजर में 1-2 हफ्ते के लिए। अब इसे निकाल देते हैं, इसे पूरी तरह से ठंडी कर लेंगे। इसे 2 थाली में फैलाकर ठंडी कर लेंगे। अब फिर इसे डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए पूरी तरह से ठंडी हो गया है, अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको तुरंत नहीं खाना है तो आप फ्रीजर में रखकर बाद में फ्राई कर सकते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखे हैं। इसे मीडियम टू लो पे फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसे पलट देते हैं। इसे पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे निकाल देते हैं। देखिए दिखने में कितना क्रिस्पी लग रहा है। आपको आवाज़ सुनाती हूँ, कितना कुरकुरी बना है। देखिए दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। बाकी के बचे हुए फ्राइज तल लेते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखे हैं। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अगर आपको तुरंत खाना है तो सेलो फ्राई करने के बाद पूरी तरह से ठंडी कर लें और फिर से उसे डीप फ्राई कर लें। मैंने फ्रीजर में नहीं रखी हूँ। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल देते हैं। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, कितना क्रिस्पी लग रहा है। देखिए दिखने में लग रहा है ना बढ़िया, लग रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा। आप घर में भी फ्रेंच फ्राई बहुत अच्छा बना सकते हैं। मेरा रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं।